गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम मैथड्स ऑफ बोर्ड प्लॉट, ठीक है। बोर्ड प्लॉट के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आपको पता चलेगा कि बोर्ड प्लॉट, जैसे मैंने आपको बताया था, दो प्लॉट होते हैं, मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट। तो सपोज करो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ओपोजिट ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन है, सपोज करो आपको इसका ड्रॉ करना है, लेट्स सी, आपको ड्रॉ करना है मैग्नीट्यूड प्लॉट, ड्रॉ मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। वैसे तो बोर्ड प्लॉट पूरा ही आता है, मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट दोनों आते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सपोज करो सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है, तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिंपल आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह हमारा ग्राफ आना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो आपका स्टेप वही होता है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जैसे मेरे पास ये यहाँ पर ये एक जीरो भी है, ये जीरो टर्म है, न्यूमरेटर वाली जीरो टर्म है, डिनोमिनेटर वाली पोल टर्म होती है। तो पोल टर्म मेरे पास 1, 2, 3 पोल टर्म से एक जीरो टर्म है, ठीक है ना। तो पहले हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, फिर आपने देखा होगा मैग्नीट्यूड प्लॉट, तो मैं चलो आपको बता रहा हूँ, अगर फेस प्लॉट भी करना है हमें तो हम क्या करते हैं, एस को जे ओमेगा पुट करते हैं, एस को जे ओमेगा पुट करके फिर हम ओमेगा की वैल्यू, जैसे मैंने बताया था हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो ओमेगा की वैल्यू हम 0 to infinity कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इससे बोर्ड प्लॉट को कई बार अप्रोक्सीमेट प्लॉट भी कहा जाता है, क्योंकि हम कुछ वैल्यूज लेते हैं, सारी वैल्यूज लेके कुछ वैल्यूज लेके हम एंगल प्लॉट करते हैं। तो पहले आप मैग्नीट्यूड प्लॉट देख लो, उसके बाद फेस प्लॉट भी मैं बता दूंगा। सपोज मेरे क्वेश्चन है, ठीक है, तो योर फर्स्ट स्टेप इज टू सी कितने पोल्स और कितने जीरोस गिवन है। तो पहला स्टेप है सी, सी स्टूडेंट्स, ये आपको जीरो गिवन है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं देखूं, अगर आप देखें तो यहां पे ये 1/s² की टर्म है, मैंने आपको बताया था अगर 1/s की भी टर्म होगी तो उसको हम इंटीग्रेटर कहते हैं। तो वहां पर जो n की वैल्यू होगी वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, वी विल टेक नेगेटिव। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 2, दैट मींस n इक्वल टू -2, यानी मेरे पास यहाँ पर दो पोल है ओरिजिन में, ठीक है ना, ओरिजिन में s स्क्वायर है ना, तो ओरिजिन में दो पोल है। दैट मींस मैंने आपको बताया था एक पोल के लिए हमारे पास जो स्लोप होता है वो होता है -20 dB/decade, ठीक है, और एक जीरो के लिए होता है इट इज +20 dB/decade, ठीक है। तो पहले आप पहला स्टेप तो ये था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो, यहाँ पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर मैं इसको सपोज करो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी होती है, सी स्टूडेंट, जैसे 1 + स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है 1 + ST, ठीक है ना। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टी इक्वल टू यहाँ पर 1/ω, तो टी की वैल्यू जो होगी दैट इज योर 1/ω। अब अगर मैं यहाँ से देखो, इट इज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 1 + ST की फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कॉमन लू, अगर यहाँ पर इसको अगर मैं स्टैंडर्ड ना हूँ तो ये इक्वेशन मेरी कैसे बन जाएगी, दिस बिकम्स 1 + S/0.1, अगर मैं 0.1 कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू क्या होगी, 1/0.1 t, टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 1/t, तो टी की वैल्यू 1/0.1 हो गई, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1। तो इतना मैसेज करने की जरूरत नहीं है, अगर एस प्लस समथिंग है दैट मीन दैट इज योर ओमेगा, आपको ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ओमेगा की वैल्यू अगर मैं देखूँ, इसको आई एम टेकिंग, ठीक है ना, ये आपको पता लग गया होगा, तो ये आपको पता ही है, आई एम रबिंग दिस ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ स्पेस, ठीक है, आई एम रबिंग दिस पोर्शन। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और एक इससे भी आएगी बेसिकली हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ से भी आएंगी। दिस इज ऑल्सो, दिस इज कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में बोर्ड प्लॉट पे, दिस इज माई डिनोमिनेटर है तो पोल है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लेक्स पोल है, कॉम्प्लेक्स पोल्स रूट्स जो मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो यहाँ पर ओमेगा सी वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 0.1, ओमेगा सी टू और कौन सा ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 1 है, ओमेगा सी थ्री, ठीक है। इसकी अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखे तो आपको पता होगा ये हमारा क्या होता है, ओमेगा एस स्क्वायर, अगर स्टैंडर्ड आपको याद होगी इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, S² + 2 ζ ωn S + ωn² तो दिस इज योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये ओमेगा एन स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना ओमेगा एन की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कहूँगा तो इट इज माई √10। √10 की वैल्यू स्टूडेंट्स नियर अबाउट मेरे ख्याल से 3.16 होती है, आप चेक कर लेना, 3.16 होती है, आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो दीज आर दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, ये आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होगी, ठीक है। तो बोर्ड प्लॉट में मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू सी हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ गिवन है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपका बोर्ड प्लॉट गिवन होगा ना, वो आपको पता होगा, मैंने बताया था सेमीलॉग पेपर में बनाना है आपको, तो वो शीट होती है सेमीलॉग शीट,
तो आपको करना क्या होता है, मैं आप स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड का, ये तो आपको पता लग गया होगा ठीक है। पहला स्टेप यही है कि आपको कॉमन फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए ठीक है। और अगर वन बाई एस स्क्वायर या इन टू में एस की फॉर्म है, डिफरेंशिएटर या इंटीग्रेटर है, तो वो भी पता होना चाहिए। उसके लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोल में जो स्लोप होगा कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपकी जो शीट होगी ना, ये आप समझो ग्राफ पेपर है आपका, तो जो सेमिलॉग शीट है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा नीचे जो लॉगरिथमिक स्केल होता है वहाँ पर लिखा होता है 10^1, 10^2, 10^3, मतलब 10 की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, इसी तरह गिवन होते हैं। तो यहाँ पर लेके हमारी कॉमन फ्रिक्वेंसीज विद इन 10^1 की रेंज में, अगर मैं यहाँ पर 10^1 कहूँ तो उसी के विदिन रेंज में है, उसी के अंदर रहेगी। कई बार कुछ सेमिलॉग शीट में 10^1 जैसे अगर यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर 10^2 लिखा है, तो इनकी मिडियोकर बीच की वैल्यूज भी दी होती है। जैसे अगर ये ओरिजिन है तो इट इज 1, 2, 3, 4, कई बार दी होती है कुछ सेमिलॉग शीट्स में। या आप अगर बुक में देखेंगे, बुक में गिवन होती है, मे बी शायद सेमिलॉग शीट्स में ना हो, उसमें सिर्फ 10^1, 2 इस तरह गिवन हो, 10^3 करके ठीक है। तो आपको ये देखिए मेरी कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज किस रेंज तक आ रही है, आइदर विद इन द रेंज ऑफ 10^1 और आगे आ रही है, तो जो मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट या फेस प्लॉट बनेगा, अगर मेरा इस रेंज के अंदर आ रहा है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10^1 के अंदर आ रही है, तो थोड़ा स्केल बड़ा ले सकते हैं। कई बार अगर मेंशन नहीं है तो आप बड़ा स्केल लेके उसके बाद ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से यहाँ पर पुट कर सकते हैं ठीक है ना। स्टूडेंट बोर्ड प्लॉट को अप्रॉक्सीमेट प्लॉट कहते हैं, थोड़ी सी जो वैल्यूज है बाई चांस अगर गिवन ना हो तो आपको ये थोड़ा गैप वाइज थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा ठीक है ना। यू हैव टू एज्यूम दैट कि वेयर यू हैव टू टेक, तो सपोज करो 10^1 यहाँ पर है ठीक है ना, और उसी के विदिन द रेंज देखो 0.11, 3.16, तो मैंने मार्क कर ली, इट इज माय 0.1, इट इज 1 एंड इट इज √10 ठीक है। इसके आगे जाके 10^1 मतलब बोर्ड प्लॉट फ्रेंड से हमने मार्क कर लिया, इट इज ओरिजिन ठीक है ना। तो स्टूडेंट बोर्ड प्लॉट पहले प्लॉट कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट, अब आपको ये देखना है स्टार्टिंग किससे, 1/s² ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड प्लॉट जो शीट होती है आपका डी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने ज्योमेट्री बॉक्स यूज करो, इसमें आपका कॉम्पस और आपका पेंसिल प्रोटेक्टर वगैरह, हम बेसिकली हम डी वगैरह यूज करते हैं, जिसमें आपको एंगल बनाते थे, इस तरह की फॉर्म का होता था जिसमें एंगल होता है 20, 30, 40 वगैरह इस तरह करके। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आप ना ग्राफ पेपर जो होगा, ग्राफ पेपर तो काफी बड़ा होता है, तो आप थोड़ा ऊपर ना ज़ूम कर लेना। सपोज आपने एक प्रोटेक्टर मतलब रख दिया आपने डी, तो अगर मैंने ये मान लिया इट इज माय 0 डिग्री, मतलब अगर मेरी लाइन है ठीक है ना, मैंने एक रेफरेंस मान लिया, आर गेटिंग, आई हैव टेकन सम रेफरेंस 0 ठीक है ना, डी ऐसे रखे वो 0 लाइन हो गई, तो उसी पे देखोगे 20 डिग्री इधर आएगा, तो मैंने 20 डिग्री का एक रेफरेंस मान लिया और वहां से मैंने इस तरह की मतलब ये स्लोप बना दिया। उसके बाद जैसे आप डी रखोगे ओरिजिन वही है, फिर 40 डिग्री, इतना 40 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो आपने ये 40 डिग्री का मार्क कर दिया, तो इस स्लोप का इस तरह आपने मार्क कर लिया। इसी तरह आप 60 को मार्क कर लो, दिस इज योर 60 ठीक है ना। तो जितनी आपको वैल्यूज जरूरत है उसके हिसाब से 80 तक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये 0 डिग्री लाइन है, तो ये स्लोप बेसिकली ये जो है, तो इसको मैं कहूंगा ये स्लोप डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो इसको मैं कहूंगा -20 डिग्री पर डिकेड, जो इसका स्लोप होगा, जैसे मैंने आपको पोल की फॉर्म के लिए बताया था ठीक है ना। तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज माय -20 डिग्री पर डिकेड, तो आप लिख लो या बेसिकली आपको बस पता होना चाहिए कि -20 डिग्री पर डिकेड, इस स्लोप की वैल्यू क्या है -40 डिग्री पर डिकेड, इसकी क्या हो जाएगी -60 डिग्री पर डिकेड ठीक है। ये हमने एज्यूम मतलब हमने सपोज करा, एजम्पशन मान लिया, एक प्रोटेक्टर रख के आपने 0 डिग्री जैसे लाइन करके उसके बाद आपने ये स्लोप ले लिए ठीक है। अब हमें ये इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना है, तो पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 0.1, लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूं तो 1/s² है, तो इसके साथ तो कोई भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो यानी स्टार्टिंग जो मेरी प्लॉट की होगी मैग्नीट्यूड प्लॉट की वो मेरी इसके स्लोप से होगी। यहाँ पर एस स्क्वायर है ना, तो 1/s उस पोल का जो स्लोप होता है मैंने आपको बताया था -20 डिग्री पर डिकेड होता है एक पोल के लिए। यहाँ पर कितने पोल के बने, यहाँ पर 2 पोल है, तो कितना हो जाएगा -40। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, आप शीट में जो आपने एजम्पशन बनाया उसके नीचे कहीं से स्टार्ट कर लीजिए। तो ये मैंने ले लिया, अब -40 मुझे कैसे ड्रॉ करना है, जो मैंने ये एजम्पशन ली है जस्ट इसके पैरेलल इसी तरह एक लाइन यहां से मैंने कर ली, जो मेरी कहां तक बनेगी, जो मेरी बनेगी फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 0.1, तो ये 0.1 है ना, दिस इज योर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो स्लोप बनेगा, ये मेरा स्लोप क्या है, इसकी वैल्यू -40 डिग्री पर डिकेड ठीक है। और ये वैल्यू कैसे आई, सॉरी ये स्लोप, ये लाइन कैसे है, ये लाइन जस्ट इसके पैरेलल,
स्केल ले लेना या डी लेना, कुछ भी लेना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, पॉइंट वन तक आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, अब इसकी माइनस 40 में फिर कह रहा हूँ माइनस 40 वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पर दो पोल है, 1/s² है। मैंने आपको अभी बताया था एक पोल के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है -20°/decade, ठीक है। तो दो पोल के लिए कितनी हो जाएगी -40 × में हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी इसको डॉटेड लाइन से शो कर लो, सपोज करिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन उसके बाद मुझे देखना है -40°/decade के बाद मेरे पास फिर पोल आ रहा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर 1/s², देखो ये जो पोल था ये ओरिजिन में था, ठीक है ना, तो हमने -40 से शुरू कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पहले पोल लेना है या पहले जीरो देना है, यानी मैं पहले -20°/decade लूंगा या माइनस या +20°/decade, वो डिपेंड करेगा इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पहले 1 से पहले क्या आता है, 0.1 आता है, 0.1 ही है। तो 0.1 किस में दे रखा है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में दे रखा है, डिनोमिनेटर मींस पोल पे दे रखा है, तो यानी पोल मैं ऐड करूंगा इसमें। तो पोल के लिए मैंने क्या एक एस दे रखा है, दैट मींस -20°/decade, तो -20° और -40° कितना हो जाएगा -60°/decade, और ये -60° कहां तक जाएगा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, यानी 0.1 के बाद कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, 1 है। तो यानी मैं इसके बाद अब इसमें 60 ऐड करूंगा, तो बेसिकली आपका स्लोप बढ़ गया, ठीक है ना, इस तरह ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ के फिर इस ये कहां तक जाएगा, 1 तक, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस स्लोप की वैल्यू हो गई -60°/decade। अरे बेटे कैसे बढ़ रहा है, -40 पहले बनाया 1/s², फिर ये कहां तक बनेगा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, नेक्स्ट पहली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी वो थी 0.1 पे, लेकिन 0.1 जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो डिनोमिनेटर पोल था, उसमें पोल के साथ यानी पोल मिल रहा था, तो पोल के लिए क्या होता है -20°/decade एक पोल के लिए हम ऐड करते हैं, तो -40, -20, -60 बन गया। उसके बाद ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहां तक रहेगी, उस नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यानी 1 तक। तो 1 कहां पर है, न्यूमरेटर में है, क्योंकि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें 0 में दे रखी है, और 0 में s जैसे है तो यानी +20°/decade। अब -60 में मैं +20 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, फिर से +40 मिलेगा, बेसिकली -40, तो यहां से फिर मैं ड्रॉ करूंगा। अब -40 वही है, तो फिर ये ऐसे करके और बैंड हो जाएगा, यानी इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जो भी हम ये लाइन बनाएंगे हम इसके पैरेलल बनाएंगे, तो ये जो आपके इसके इसके पैरेलल बनेगी, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी -40°/decade, ठीक है। आर यू गेटिंग, ये कैसा है, -60 से -40 कैसे हो, क्योंकि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 तक, 1 से हम जैसे स्टार्ट करा, 1 आपका 0 पे दे रखा था, तो 0 पे हमारा +20°/decade होता है, तो +20 और -60, -40°/decade। अब ये किस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जाएगा, जो हमारी नेक्स्ट आ रही होगी, इसकी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, √10, यानी 3.16, ठीक है ना, ये मुझे एक्जेक्टली पता नहीं है, आप देख लेना, तो √10, तो यानी ये जो 40°/decade है ये कहां तक जाएगा, ये रूट मतलब नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जाएगा, ठीक है। एट दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एट दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें कहां पर दे रखी है, पोल पे, ठीक है ना, और पोल पे ये डिनोमिनेटर पे, और डिनोमिनेटर में कितने पोल है, जैसे यहां पर s² है, इसका मींस वी हैव टू पोल्स, दैट मींस वी हैव टू पोल्स, ठीक है ना, तो टू पोल्स है, तो आफ्टर दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, आफ्टर दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी -40 और दो पोल है, एक पोल के लिए -20°/decade आता है, दो पोल के लिए कितना हो जाएगा -40, तो -40 एंड -40 यानी -80, तो ये आगे इस तरह आगे कंटिन्यू हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ऊपर तक ऊपर जाएगा, मतलब बैंड ही होगा लेकिन, ठीक है ना, जैसा अगर आप इधर -80 बनाते तो उसी के पैरेलल में जाता, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -80°/decade। अरे बेटे कैसे बोर्ड प्लॉट बना, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको करना क्या है, आपको कोई क्वेश्चन आया है, आपको फेस प्लॉट और मैग्नीट्यूड दोनों ही हमें बोर्ड प्लॉट बनाना है, तो पहला स्टेप होता है यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देख लो, और उससे पहले भी देख लो कि हमें 1/s की फॉर्म दी हुई है या (x)2 की फॉर्म दी हुई है, ये जो मैंने क्वेश्चन ये 1/s² की फॉर्म में, तो यानी मुझे स्टार्टिंग स्लोप मिल जाएगा, 1/s मींस इंटीग्रेटर, तो इंटीग्रेटर यहाँ पर s² है यानी दो पोल, तो दो पोल, एक पोल के लिए -20°/decade, तो दो पोल के लिए -40°/decade, ठीक है। अब स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा कि सर हम यहाँ पर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर दो, अभी हम ये ना ये आपका वो होता है मैग्नीट्यूड होता है गेन डीबी में होता है, अभी हम ये फाइंड करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जो बोर्ड प्लॉट का मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे, एक तो इनिशियल स्लोप,
स्टूडेंट इसको कहते हैं इनिशियल स्लोप, ये जो इनिशियल है ना 1/s2। तो ये आपको पता लग गया है, या तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखाया था प्लस माइनस n इनटू 20 डीबी पर डिकेड। अगर आप देखेंगे मैंने जो बोर्ड प्लॉट है एक वीडियो लेक्चर अपलोड करा है, तो उसमें दिस फर्स्ट वन इज इसको हम कहते हैं इनिशियल स्लोप कह लो, या तो लो फ्रीक्वेंसी एसिम्प्टोटिक बोर्ड प्लॉट कह लो, ठीक है ना। इसी तरह लास्ट वाला जो होता है, लास्ट वाले को कहते हैं फाइनल स्लोप। फाइनल स्लोप का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था पी माइनस जेड, आर यू गेटिंग, पी माइनस जेड इंटू माइनस 20 डिग्री पर डिकेड, ठीक है। तो आप फॉर्मूले देख लेना, फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट निकालोगे तो उससे भी यही वैल्यू आएंगी जो मैंने ये माइनस 40 लिखा है, माइनस 80 डिग्री पर डिकेड लिखा है, ठीक है ना। इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी आपको पता लग गया होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, स्टार्टिंग ओरिजन, ओरिजन में कितने पोल है, दो है, तो माइनस 40 डिग्री पर डिकेड। ये कहां तक जाएंगे, ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जाएंगे, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.1 पे है, तो 0.1 आके यहां पर ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद 0.1 जो हम देखेंगे, 0.1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहां दे रखी है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, यानी पोल है या जीरो है। 0.1 हमें डिनोमिनेटर में, दैट मींस पोल पे रखी है, और यहां पर सिंगल एस है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे s² था ना, तो ये दो पोल हो गए, s है दैट मींस सिंगल पोल। तो सिंगल पोल के लिए आपको पता है माइनस 20 डिग्री पर डिकेड आता है, तो माइनस 40 प्लस माइनस 20 करोगे उसमें ऐड, तो माइनस 60 डिग्री पर डिकेड आएगा। और जो ये लाइन है, ये आई एम टेलिंग, ये जो आपने एज्यूम करा है इसी के जस्ट पहले बनेगी, उसके अभी जस्ट ड्रॉ मैंने ऐसे करा है रफली डायग्राम है, आप स्केल से करेंगे तो प्रॉपर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये माइनस 60 डिग्री पर डिकेड कहां तक जाएगा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 1। अब आपको देखना है ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहां पर दे रखी है, ये हमें न्यूमरेटर में दे रखी है, दैट मींस 0। और 0 के लिए आपको पता है प्लस 20 डिग्री पर डिकेड आता है, जैसे यहां पर सिंगल एस है ना, दैट मींस इसके लिए आएगा प्लस 20 डिग्री पर डिकेड। तो माइनस 60 और प्लस 20 दैट मींस माइनस 40 डिग्री पर डिकेड। तो माइनस 40 डिग्री पर डिकेड कहां तक जाएगा, नेक्स्ट लास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। उसकी वैल्यू क्या है, रूट 10। तो हमने रूट 10 लिख दी, और रूट 10 बेसिकली रूट 10 जैसे लिखी, तो रूट 10 कहां पर दे रखा है, ये हमें पोल्स में दे रखा है, और इसमें कितने पोल्स है, दो पोल्स है, दैट मींस ये जो माइनस 40 डिग्री पर डिकेड है रूट 10 तक तो जाएगा, लेकिन रूट 10 तक स्टॉप नहीं होगा। आफ्टर रूट 10 मुझे रूट 10 मतलब बेसिकली पोल डिनोमिनेटर में दिया, तो यानी यहां पर मेरे दो पोल्स और है, तो माइनस 40 में मैं माइनस 40 डिग्री पर डिकेड और ऐड करूंगा, जिससे कि मुझे फाइनल स्लोप मिल जाएगा, और वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। उसके लिए कोई क्वांटम फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वांटम फ्रीक्वेंसी रूट 10। ये आपका बन गया बोर्ड प्लॉट बन गया, लेकिन कौन सा, मैग्नीट्यूड प्लॉट, फेस प्लॉट नहीं बनाया। अगर सपोज करो इसको मुझे फेस प्लॉट बनाना होता, आप सिंपल क्या करते, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दो, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करो, यहाँ पर एस स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर आपको पता है जे का एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री, और अगर मैं इसी को ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो एस स्क्वायर के लिए एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसके लिए वही आप करोगे जैसे आपको पता होगा a प्लस आयोटा बी या जे बी की फॉर्म में हो, तो हम लिखते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल टर्म, यानी tan इनवर्स b बाय a। तो इसलिए वो एक्सप्रेशन, इसके लिए वो एक्सप्रेशन करके इसको न्यूमरेटर में लेंगे, तो आपका ना आप वहां पर जैसे s को j ओमेगा ले रहे हैं, तो एक टेबल बना लीजिए फेस प्लॉट के लिए बता रहा हूं, उस टेबल में ओमेगा की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यू, रैंडम कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो इसी मैग्नीट्यूड के नीचे ना, जैसे ये मैग्नीट्यूड है, ये आपको तो मैग्नीट्यूड है, इसी के नीचे आप वो फेस प्लॉट बना सकते हैं, जी एस एच एस, ठीक है ना, वो फेस प्लॉट। बस ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे मैंने एक ये मैंने एक मान लिया कि ये मेरा गेन है, मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू मैं अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक लाइन अज्यूम कर लेना, दैट विल बी योर माइनस 180 डिग्री लाइन। तो माइनस 180 डिग्री से ऊपर जैसे माइनस 160, माइनस 140, 120, तो आप इसको सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू पुट करके जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, जो एंगल आएगा, वो अकॉर्डिंग टू आप वो प्लॉट कर पाओगे। इसी तरह माइनस 180 नीचे माइनस 200, माइनस 220, 240, तो उस तरह आपका फेस प्लॉट हो जाएगा। फेस प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती स्टूडेंट, क्योंकि सिंपल एस को जे ओमेगा से प्लेस करना होता है, एक टेबल फॉर्म करनी होती है, और ओमेगा की वैल्यू आप 0 टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू रैंडमली पुट कर सकते हैं। मेन पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे हम प्लॉट कर रहे हैं, आई थिंक आपको पता लग गया होगा कैसे प्लॉट किया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरा ये माइनस 40 डीबी का ये जो मेरा स्लोप स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। या सपोज करो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एट दिस फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आपको ये भी निकालना हो सकता है, आपको ये भी निकालना पता होना चाहिए कि हम दोनों कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आई एम राइटिंग दिस, वो फॉर्मूला आप देखना, ठीक है। स्टूडेंट
ये मैंने आपको फॉर्मली कहा था मैग्नीट्यूड फाइंड करने का कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। सपोज करो ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक जो मैंने मार्कर से मार्क करके, हम पहले ये मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, फिर हम बेसिकली इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला आपका यही है, मैग्नीट्यूड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू, इसको कहते हैं एलसीएफ, को याद होगा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें लीस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 20 लॉग के प्लस माइनस एन 20 लॉग ओमेगा, तो 20 लॉग के, ठीक है। अब मुझे के की वैल्यू पता होनी चाहिए। सी स्टूडेंट, के की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। के की वैल्यू फाइंड करनी है, कई बार स्टूडेंट कहते हैं ये जो हमें कॉन्स्टेंट गिवन होते हैं, के की वैल्यू ये नहीं होती जो कॉन्स्टेंट है, निकाल नहीं पाती है। कंसिडर क्या करते हैं, जो भी हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट गिवन है, आई एम रिपीटिंग, जो भी हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट टर्म्स गिवन है, आप बस वो वैल्यू लिख लो। ऊपर जैसे मुझे 10 गिवन है इनटू ये 1 भी है, ये 1 लिख दिया, डिनोमिनेटर यहाँ कुछ नहीं है 0.1 इनटू यहाँ पर क्या है 10, ठीक है, तो इनटू 10 डन। इसको सॉल्व कर लो, 10 कट गया, पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 10, तो ये होगी k की वैल्यू, ये होगी k की वैल्यू। मैं फिर बता रहा हूँ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव टू जस्ट कंसीडर ओनली कॉन्स्टेंट टर्म जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें गिवन होती है, वहां से हम k की वैल्यू निकालते हैं। ये जो कॉन्स्टेंट होता है ये नहीं होता, k नहीं होता ये, ठीक है ना, ये मैं मान के चल रहा हूँ। चांस की बात है, यहाँ पर k की वैल्यू 10 और ये 10 सेम है, तो हम इसको बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो ये हो गया 20 log 10। अब मुझे कैसे पता चलेगा प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग है स्लोप, क्योंकि मैंने बताया था ये जो प्लस माइनस आता है हमें स्टार्टिंग स्लोप देखना है। स्टार्टिंग स्लोप क्या है, ये स्टार्टिंग स्लोप इनिशियल स्लोप, स्टार्टिंग में इनिशियल स्लोप -40 डिग्री पर डिकेड, दैट मींस n की वैल्यू क्या है यहां पर -2, तो मैं लिखूंगा -2 यानी माइनस साइन आएगा, दैट मींस अब जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं उसमें ये माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये पोल है और n की वैल्यू यहां पर -2 है, ठीक है ना, इनटू इनटू मैं लिखूंगा 20 log। अब मुझे देखना है ओमेगा की वैल्यू क्या लिखनी है, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये मैं इस ये मैग्नीट्यूड पार्ट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं पता, आई डोंट नो दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मुझे ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है ना, ये भी लीस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है और ये भी है। अगर आप ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लेके चलोगे तो हमारे लिए स्लोप कौन सा निकलेगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड निकलेगा जो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, जहां पर ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो रही होगी -40 डिग्री की, तो ये मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड क्या है, तो सपोज करो मैंने इसको मान लिया 0.01, ठीक है, ये मैंने सपोज किया है, ठीक है, तो ये सपोज कर लिया आप 0.001 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन इससे कम होनी चाहिए, तभी मैंने लिखा है ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू लीस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसके। हाँ, आप इसको भी ले सकते हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो ये निकलेगा जो इसके डॉट लाइन के क्रॉस आएगा, ठीक है ना, ये इनिशियल स्टार्टिंग स्लोप के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको मैंने लिख दिया 0.01, ठीक है, यानी 1/100। तो इसको सॉल्व करो, आपको याद होगा 20 log 10 मैंने आपको बताया था इट इज 20 dB माइनस 2 into दिस, तो 2 into इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज माय 20 log 10 पावर माइनस 2, ये 1/100 हो जाएगा ना, तो 1/100 10 पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 into, तो ये माइनस 2 और ये माइनस 2, इसको यहां पर आप लिख सकते हो प्लस 4, 2 इंटू 2 लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, 10 की पावर कुछ भी तो आ जाती है हर आगे फ्रंट में मल्टीप्लाई होकर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 log 10 क्या होता है 20 होता है, दैट मींस 20 प्लस 4 इंटू 20 यानी आपका इसका मैग्नीट्यूड आ गया 100 डीबी, यानी इसकी वैल्यू आ गई इस पॉइंट की जहां से मैंने ये स्टार्टिंग स्लोप स्टार्ट किया था, इसकी वैल्यू आ गई 100 डीबी, ठीक है। कोई स्टूडेंट हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम 0.01 ही ले, हमें 0.01 हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो इट इज ऑल्सो योर लीस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ना आप इन तीनों में से लीस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 0.1 है स्टार्टिंग जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसके फॉर्मूले में लिखा है ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू एलसीएफ लीस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये 100 आ गया ना, तो आप 0.1 ले लो। सपोज करो मैंने इसको चेंज करके ले लिया 0.1, ठीक है, 0.1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा, 1/10 हो गया 10 पावर माइनस 1, ये माइनस 1 आप जब लाओगे तो माइनस 1 ये हटा दो, ठीक है, तो माइनस 1 इंटू दिस माइनस 2 ये 2 हो गया, और 20 log 10 20 डीबी होता है, तो 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 20 60 डीबी, दैट मीन्स मेरे पास 0.1 के करस्पॉन्डिंग यहां पर जो मैग्नीट्यूड निकला है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 60 डीबी,
तो मेरे पास ये मैग्नीट्यूड आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग बेसिकली पहली लीस्ट क्वांटम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड है 60 डिग्री। तो दिस इज द वे टू प्लॉट योर दिस बोट प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट। जो फेस प्लॉट होता है वो भी करस्पॉन्डिंग इसी के नीचे हम बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 180 डिग्री लाइन, आप एक कोई प्रोटेक्टर से आप मान लीजिए 180 डिग्री लाइन, और उसमें आप बाकी रिमेनिंग एंगल्स बेसिकली उसको मार्क कर लीजिए, और उसके बाद बेसिकली आपको करने के एस की जगह जे ओमेगा पुट करना है, और जे ओमेगा के बाद आपको ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट जीरो टू इन्फिनिटी वेरी करानी है। तो 6-7 वैल्यू, 7-8 वैल्यू लेके आप वो एंगल्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपने बुक में देखा होगा कि मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट जब आप प्लॉट करते हो, अगर ये मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर आपका इस एक्स एक्सिस को पहले कट कर रहा है, ठीक है ना, पहले कट कर रहा है तो आपका फेस प्लॉट से पहले कट कर रहा है तो आपका सिस्टम स्टेबल होता है। आप अगर बुक में पढ़ेंगे ना उसमें होगा कि मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर पहले एक्सिस को आपका एक्स एक्सिस को कट करता है तो फेस प्लॉट से, तो वो स्टेबल सिस्टम होता है। अगर फेस प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट से पहले एक्स एक्सिस को यानी ओमेगा एक्सिस लॉगरिथमिक एक्सिस को कट करेगा तो वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। और अगर दोनों के पॉइंट सपोज कोई इधर फेस प्लॉट बनाया होता तो ये जैसे ये पॉइंट है, ये अभी जैसे कट नहीं कर रहा आगे जाके कहीं कट करेगा, तो वो पॉइंट और फेस प्लॉट का पॉइंट दोनों अगर एक्स एक्सिस को इकट्ठे कट कर रहे होते तो वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करते तो उसको हम सिस्टम को कहते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ये तो कुछ ज्यादा लेंथी बड़ा हो गया वीडियो लेक्चर, एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना थोड़े लेंथी है, तो अब ऐसे नहीं बनेंगे कि मैं आपकी 10-12 मिनट की वीडियो लेक्चर बना दूंगा तो उसमें समझ आ जाएगा, क्योंकि अब आपका प्लॉट है तो हाउ टू प्लॉट आपको समझ आना चाहिए, वेदर इफ वी आर टेकिंग वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो वो ज्यादा ही बन रहे हैं, इसलिए एक ही क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि आपको उसी में मैं आपको बता दूं। तो एक वीडियो लेक्चर में मैं एक और बोर्ड प्लॉट लूंगा जिसमें मैं आपको मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट दोनों बता दूंगा, ठीक है ना। एक बार मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको पता लग गया होगा तो एक बार नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ बोर्ड प्लॉट। थैंक यू।